हेलो गाइस, आज हम वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है, वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है, तो कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना, और स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। फिर हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है, तो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा इस तरीके से, तो फिर आपको यहाँ से जाना होगा, देख सकते हैं कि ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। जो ही ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको बस यहाँ पर सिस्टम ऑल्स ऐप्स को ओपन करना है। ओपन करते ही फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लूटूथ पर। सर्च करने से ब्लूटूथ आइकन नहीं आ रहा, तो सिंपली आपको बैक करना है। थ्री डॉट पे जब दिख रहा है आपको, तो उस पर प्रेस करना है। शो सिस्टम ऐप्स को भी सर्च कर लेना है। तो शो सिस्टम ऐप्स को आप टैप करते हैं, तो टैप करते हैं यहाँ पर सिस्टम के ऐप आ जाते हैं, जहाँ से ब्लूटूथ आइकन से आपका आ जाएगा। तो आते ही जो भी ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से जो भी डाटा होता है, इसको आपको क्लियर कर देना है इस तरीके से। ब्लूटूथ का क्लियर करते हैं, यहाँ से फोर स्टॉप भी कर देना है डाटा को। तो फोर स्टॉप करते हैं, तो जो हमारा ऐप से जो ब्लूटूथ आइकन्स का हमारे फ़ोन में यूज़ नहीं होगा, जो ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। इसको बैक करना है। बैक करते हैं आपके पास सिस्टम सेटिंग्स आ जाएगी। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर फिर आपको रीसेट सेटिंग पे जाना है। रीसेट सेटिंग पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं आप। रीसेट एंड वाईफाई, जो ये ब्लूटूथ की ऑल नेटवर्क सेटिंग्स है, उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। और रीसेट करके जो ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग रीसेट होते ही ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से ब्लूटूथ की कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं वीवो फोन की सेटिंग्स का यूज़ करके। तो आपको वीडियो अच्छे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।